2023 में वैकेंसीज तो बहुत हैं, लेकिन क्या आप इन वैकेंसीज के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हो अपनी सफलता के मुकाम को इस साल बनाने के लिए? डू यू नो 2.0 स्टैटिक जीके सीरीज एक बार फिर से आपके लिए तत्पर है। आज के एपिसोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपका जीएस गुरु आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है, दोस्तों जब भी आधुनिक कालीन भारत की बात होती है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं वायसराय को लेकर। आपसे इवेंट पूछ दिया जाता है कि इस इवेंट के टाइम पे भारत का वायसराय कौन था, और आपको बताने में दिक्कत होती है। कारण क्या है कि हम लोग एक बार में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी अप्रोच ज्यादातर ये रहती है कि हम गवर्नर जनरल भी एक बार में पढ़ लें, गवर्नर ऑफ बंगाल भी पढ़ लें और वायसराय भी पढ़ लें, बट ऐसे काम नहीं चलता। डू यू नो 2.0 सीरीज के हर एक एपिसोड में मैं आपको कुछ ना कुछ नया तो बताता ही हूं, लेकिन साथ में आपको तरीका भी बताता हूं कि कम से कम टाइम में कैसे इन चीजों को कवर करें। तो आज के इस एपिसोड में 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं और उनके टाइम में भारत के वायसराय कौन थे, उनको देखते हैं कितने मिनट में आज हम लोग कवर करेंगे। मुश्किल से 8 से 10 मिनट में इस एपिसोड में हम सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर कर लेंगे और आपको वायसराय भी पता लग जाएंगे। लेकिन हां, आज के एपिसोड में बस इतना कहना है कि आप इसके नोट्स जरूर मेंटेन कर लेना, वरना ये एक बार में आपको याद नहीं होंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। जब भी बात करें कि 1857 की क्रांति, तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था, तो यह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद आपसे कई बार पूछ देता है बॉम्बे हाईकोर्ट कॉमा मद्रास हाईकोर्ट, और अगर बात करें कोलकाता हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट। तो इन हाईकोर्ट्स की स्थापना कब करी गई थी? इनकी स्थापना 1882 में करी गई थी, और इस टाइम पे भारत का वायसराय था लॉर्ड एल्गिन। कौन था? एल्गिन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपसे कई बार पूछ देता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, यह स्थापना कब करी गई थी? 1885 में। इस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। इससे पहले अच्छा एक और इवेंट आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे पूछ देता है एल्बर्ट बिल कब आया था। एल्बर्ट बिल, तो यह आया था भैया 1883 में, लेकिन इस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? यह था लॉर्ड रिपन। कौन था? रिपन। अब आपको पता है रिपन का टाइम पीरियड इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, रिपन ने क्या पता है क्या किया था? सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए 18 वर्ष से उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया था। फॉर, यहां पर मैं लिख देता हूं, सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये भी रिपन के ही कार्यकाल में हुआ। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं बंगाल डिवाइडेशन, बंगाल का विभाजन, बंगाल डिवाइडेशन। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1905 में, और इस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? आप लोगों को पता ही है, ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे पूछ देता है सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट, जो कि कब हुआ? 1907 में। इसके अलावा आपसे पूछ देता है मार्ले मिंटो बिल, मार्ले मिंटो बिल, ये कब आया? 1909 में। और ये दोनों इवेंट किस टाइम पे हुए? इस टाइम पर वायसराय था कौन? लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो। अब थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े तो आपको ध्यान रखना होगा, आपसे पूछ देता है जलियांवाला बाग ट्रस्टी, जलियांवाला बाग ट्रस्टी, ये कब हुई? 1919 में, ठीक है। इसी तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी पूछ देता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये कब हुआ? ये 1920 में शुरू हुआ।
और ये दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट जो इतिहास के हैं, ये किसके टाइम पे हुए? इस टाइम पे भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके बाद किसका टाइम पीरियड आया? तो आपको ध्यान रखना है, इसके बाद टाइम पीरियड आया रीडिंग का, और रीडिंग का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1921 से लेकर 26 तक इसका टाइम पीरियड था। अब 21 से 26 के बीच में क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी, यह स्थापना कब हुई थी? 1923 में। बहुत बार आपसे पूछ देता है। इतना ही नहीं, एचआरए की स्थापना भी इसी टाइम पीरियड पे हुई, और कब हुई? 1924 में। इसी टाइम पीरियड में नौजवान सभा की स्थापना हुई, नौजवान सभा, और यह कब हुई? 1926 में हुई। और यह सारा कुछ किसके कार्यकाल में हो रहा था? इस टाइम पर भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? रीडिंग। यार बचपन से पढ़ता ही रहता होगा तभी इसका नाम रीडिंग हो गया। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, अभी हार्डिंग के टाइम पीरियड से भी कुछ इवेंट बनते हैं। हार्डिंग का टाइम पीरियड दरअसल 1910 से 1916 के बीच में था करीब, तो देख लेते हैं उस बीच में क्या क्या हुआ। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था, ठीक है, यह आपका 1913 में शुरू हुआ। इस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। साथ में आपको ध्यान रखना है दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार का जो तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया 1911 में किया गया था, यह भी हार्डिंग के टाइम पीरियड पे। इतना ही नहीं, मैकमोहन लाइन, जो भारत और चाइना के बीच में खींची गई, इंडिया और चाइना के बीच में, ये आपको पता है कब खींची गई? 1914 में। ये भी हार्डिंग के ही टाइम पीरियड पर खींची गई। तो हम लोग पहुंच गए हैं रीडिंग के टाइम पीरियड तक, 1926 तक। अब इसके आगे और बढ़ते हैं। रीडिंग के आगे अगर बात करी जाए तो 1928 का एक इवेंट है जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन, 1928 में ही एचएसआरए की भी स्थापना करी गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये दोनों किसके टाइम पीरियड पे इवेंट हुए? इस टाइम पर इरविन था भारत का वायसराय। अब देखो इरविन के बाद कौन आया? ये आया वेलिंगटन। कौन आया? वेलिंगटन। वेलिंगटन के टाइम पीरियड पे देखो क्या क्या हुआ। पहली चीज तो ध्यान रखना है, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में हुआ। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट 1935। साथ में आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सारे इवेंट किसके टाइम पीरियड पे हुए? तो ध्यान रखना, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। अब वेलिंगटन के बाद कौन आ रहा है? लिथिंगो। लिथिंगो के टाइम पीरियड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, ठीक है। साथ में आपको ध्यान रखना है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित करी गई थी 1939 में, इसी के टाइम पीरियड पे। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की अगर बात करें तो यह भी 1939 में शुरू हुआ था, इसी के टाइम पीरियड में। तो ये किसके टाइम पीरियड की बात हो रही है? यह बात हो रही है लिथिंगो के टाइम पीरियड की, लिथिंगो। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है आपको ध्यान रखना है, देन होगा कौन? कैबिनेट मिशन, कौन से वर्ष में? 1946, किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड वॉवेल, के टाइम पीरियड पे। और इसके बाद लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत की स्वतंत्रता का जो कानून बनाया गया 1947, इस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? यह था माउंटबेटन, बस इतना सिंपल था। अगर आप कॉपी में नोट कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको इतने याद हैं तो आप ये मान के चलिए 80-90% वायसराय आपके कवर। दोस्तों अब आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट, हम सभी को पता है एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, आप सभी फॉर्म भर रहे हो उसका, और बहुत ही जल्द मार्च से लेकर अप्रैल तक उसका एग्जाम भी हो जाएगा।
लेकिन मेरा आपको यह कहना है कि इस बार अगर आप 100% सफल होना चाहते हो, मैं आपको इस बैच के माध्यम से यह गारंटी देता हूं कि आपका एमटीएस इस बार 100% कवर होगा। अगर आप ये 1500 से ज्यादा जो मैं एमसीक्यू कराने जा रहा हूं, जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड है, इस कोर्स में अगर आप ये कर लेते हो तो। इस बैच को मैं 1 फरवरी को स्टार्ट कर रहा हूं और फरवरी के अंदर ही मैं इस बैच को खत्म भी कर दूंगा। इस बैच के साथ में मैं आपको पीडीएफ की आंसर की साथ में दूंगा। इस बैच के अंदर 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे, 1600, 1700, 1800 कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 1500 होंगे। और आपको बताइए कि मैं जो एमसीक्यूज करा देता हूं वो इतने रिसर्च बेस्ड होते हैं, इतना ज्यादा उन पर डीप एनालिसिस होता है कि वहां से आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आने वाले CHSL और CGL आप हर एग्जाम के लिए भी इस बैच को ले सकते हो। इसकी कॉस्ट मैंने नॉमिनल रखी है, जितनी भी मैं कम कर सकता था उतनी कम मैंने करने की कोशिश करी है। इस बैच को आप पहले दिन से ज्वाइन करें मैं चाहता हूं, यह मौका बार बार नहीं मिलता है, इस बार जाने मत दीजिए। इसके अलावा 2023 के सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए सोमवार से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, GSGK का फाउंडेशन बैच, प्री प्लस मेंस एग्जाम के लिए। SSC का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, राज्य सरकार का एग्जाम दे रहे हो या PCS तक का भी आप एग्जाम दे रहे हो, यहां पर आपको साइंस की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, वो सब मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 जनवरी से। इसके लिए हमने ये कॉस्ट रखी हुई है, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी, सारी रिकॉर्डेड क्लास आप कभी भी देख सकते हो। इस बैच के साथ भी सेम है, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी, आप उसे कभी भी देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं इन बैचेस में, और कल से एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग वे में रात 10 बजे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चल रहा है, तो देखो मोबाइल में कौन सी है, साइट है, यही तो होता है।